नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे अमितोपीडिया यूट्यूब चैनल पर टर्मिनोलॉजी, जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड कॉमर्स। सबसे पहला वर्ड ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? जब कोई भी व्यापार किसी छोटे लेवल पर हो तो उसे ट्रेड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप बाजार गए, मान लेते हैं बाजार से आपने कुछ सामान खरीद के लाया, उसके बाद आपने क्या किया, उन सामानों को कहीं पर आप बेच दिए, ये हो गया ट्रेड, जिसमें आपने क्या खरीदा, कितने में खरीदा और कितने में बेचा, बस इतना का ही कैलकुलेशन है। लेकिन जब बात होगा कॉमर्स का तो इसका कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है। कॉमर्स यानी वाणिज्य, ये बड़ा हो जाता है। इसमें आप बाजार गए तो आपका ट्रेवलिंग कॉस्ट प्लस टाइमिंग, आप सामान जब खरीदे तो उसे लेके आने में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, फिर जो कैरी बैग मिला उसका खर्चा, फिर आप जब लेके आए आप बेचे तो बेचने के वजह से आपको चाहिए होगा दुकान, दुकान का खर्चा, उसका बिजली बिल, उसके जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सबों का खर्चा, उसके बाद आपने जिसे भी बेचा तो उसे आप कैरी बैग दिए होंगे, उसका खर्चा। तो ये जब टोटल हम कैलकुलेट करेंगे तो वो कॉमर्स कहलाएगा। तो कॉमर्स ब्रॉड लेवल का है, ट्रेड छोटे लेवल पर, यानी कॉमर्स के अंदर बहुत सारे ट्रेड आते हैं, ये आप बोल सकते हो। जैसे प्लास्टिक जो आया, उस प्लास्टिक का भी तो बिजनेस हुआ, कॉमर्स में काउंट होगा। ट्रांसपोर्टेशन जो आप किए, मान लो आप ट्रक से माल मंगाए तो ट्रक भी कहीं ना कहीं बना होगा, उसमें भी सेल परचेज हुआ होगा, तो वो सारा को जब आप कैलकुलेट करोगे तो कॉमर्स होगा। सिंपल भाषा में कॉमर्स, जब एक बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए जितने भी व्यापार हैं उन सबों को अगर जोड़ दिया जाए तो वो वाणिज्य यानी कॉमर्स कहलाएगा। ट्रेड, जब किसी एक पार्टिकुलर व्यापार के क्रय विक्रय का बात हो, बाय एंड सेल का बात हो, तो वो ट्रेड कहलाता है, व्यापार कहलाता है। तो उम्मीद है आपको ये ट्रेड एंड कॉमर्स के बीच का डिफरेंस बेहतर समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। चैनल को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।